खबर मोगा से है, जहां पर चुनावों में वोट डालना मौलिक अधिकार है, उसी को लेकर जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने साइकिल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें शहर के सामाजिक संस्थाओं के अलावा स्कूली बच्चों ने भाग लिया और आम नागरिकों को जागरूक किया गया। वहीं नए वोटर को अपनी वोटर आईडी बनवाने और उसका सही इस्तेमाल करने के लिए जागरूक किया गया, जिससे कि सही सरकार चुन सके। देखो सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों ना समय समय से एक समरी रिविजन प्रोग्राम दिता जाता है, जिदे विच सबनों इसलिए अवेयर किया जाता है कि अपनी वोट बनवाओ। नंबर वन ते वोट बनवाओ। हुण जिस तरह साडे नाल तुसीं अज देख रहे हो, साडी जिहड़ी क्राउड है ये तकरीबन 17, 18, 19 साल वाले बच्चे ने। असीं लए भी इसे करके ही है, इन्हां बच्चों लैके इतने इस करके आता है कि इन्हों एक तो ये मोटीवेट हो, क्योंकि जिहड़ी नवीं वोट है ना, यंग वोट है, वह बननी बहुत जरूरी है। ठीक है, और नवी वोट इन्हें बच्चों को पता लगेगा, ये बच्चे अपने स्कूल्स विच जाएंगे, ये स्कूल्स विच जाके अपना मैसेज कन्वे करेंगे। उत्थे ऑलरेडी ईएलसी क्लब बने हुए हैं, उन्होंने इंचार्ज साहबान, डीओ साहबान, असी एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उन्होंने इनवॉल्व किया, उन्होंने इनवॉल्व कर। जिमें आप सारे जानते हैं कि माणयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारिया चोणा करवाते हैं, चाहे वह विधानसभा हो, लोक सभा हो, ते उदे ले हर साल वोटर सूची जिहड़ी आ अपडेट हुंदी आ, ताकि जिहड़े भी लोग नवे एलिजिबल हो गए ने वोटर, या फिर कोई रह गए ने पिछे, वो सारे उस साल दी वोटर सूची दे विच इनकलूड हो जाण, जिन्हें भी 18 साल दे हो गए ने। तां ओह सर, ये मतलब कि आने वाले जिवें मतलब कि किसी नूं वोट पाउण लई अधिकार दा, किसी नूं अपने हक दे विच चुनण दा होना चाहिए जी, मतलब कि जिहड़ा तुहानूं लगदा कि सही आ उहनूं वोट पाउणी चाहीदी आ। जिमें जिमें मतलब कि अगे अगे आने वाली जनरेशन है जी, उन्होंने भी पता लगना चाहिए कि किमें यह चलता जी।